ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हम करने जा रहे हैं. आज का ये टॉपिक है हमारा. डेफिनेशन है, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, देन a matrix obtained of order n by m by interchanging rows into column. Interchanging rows and column is called transpose of a matrix. For example, let us consider the matrix A. एक matrix है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो जो ट्रांसपोज है उसके लिए ए प्राइम और ए टी ये सिंबल्स हैं. ए प्राइम और ए ट्रांसपोज ए टी. तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट रो है 1, 2, 3, इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे. सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम. सो एक नई मैट्रिक्स जो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ये डेफिनेशन हमारे पास है. इसके बाद हमारे पास दो कंसेप्ट हो रहे हैं इसी से रिलेटेड. पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो खुद के ही बराबर आ जाता है. ठीक है, हमने ट्रांसपोज किया और वो खुद के बराबर ही आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. तो यहां से एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ट्रांसपोज हम अगर करते हैं और अगर हमारे पास एक m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर एक m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं m बाय n ऑर्डर का, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो n बाय m ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा. तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते. तो यहां पर एक कंडीशन और यहां पर मेरे को समझ में आती है कि a ट्रांसपोज इक्वल टू a तभी होगा जब यहां पर मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वेयर मैट्रिक्स होगा. तो ये यहां पे कंडीशन रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं. लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स. ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये एक मैट्रिक्स है. अगर हम इसका ट्रांसपोज करने की कोशिश करते हैं तो ये जो फर्स्ट रो है 1, 4, -5, 1, 4, -5 कॉलम में आ जाएगी फर्स्ट कॉलम. जो सेकेंड रो है 4, 2, 6 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा. और जो थर्ड रो है -5, 6, 3 ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा. और अगर हम इसको चेक करते हैं तो 1, 4, -5, 1, 4, -5 4, 2, 6, 4, 2, 6, -5, 6, 3 तो यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए आर है. ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से चेक करें, इसको हम ध्यान से चेक करें, ये डायगनल डायगनल एलिमेंट है, डायगनल है मेरे पास, ये प्रिंसिपल डायगनल है. इसको अगर हम छोड़ दें यहां से तो अगर आप लोग चेक करते हैं तो ये 4 और ये 4, दिस एलिमेंट इज a 2 1 a 1 2, दिस एलिमेंट इज a 1 2 एंड दिस एलिमेंट इज a 2 1. सो a 1 2 एलिमेंट इज इक्वल टू a 2 1 एलिमेंट. और नेक्स्ट एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज a 1 3 एंड दिस एलिमेंट इज a 3 1. सो a 1 3 इज इक्वल टू a 3 1. सिमिलरली a 2 3 इज इक्वल टू a 3 2. तो यहां से एक और डेफिनेशन हमारी निकल के आती है कि फॉर अ फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे विल बी इक्वल टू ए जे आई. सो द डेफिनेशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इन केस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक और नेक्स्ट डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं. जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है,
नेक्स्ट कंसेप्ट है ये हमारे पास, इसी से रिलेटेड है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा इसको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लिए उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आता है, तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो डायगनल एलिमेंट्स है इस केस में जीरो होते हैं, अभी एक थ्योरम है उससे हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये डायगनल एलिमेंट जो है हमारे पास प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो ही होने चाहिए, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पे मेरे पास ये जीरो वन टू फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, माइनस वन जीरो माइनस थ्री सेकेंड रो है, इसको हमने सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया, माइनस टू थ्री जीरो इसको मैंने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये माइनस वन है, जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री जीरो। नाउ इफ यू विल चेक यू विल फाइंड दैट जीरो जीरो माइनस वन जीरो, जीरो जीरो वन वन टू टू माइनस वन माइनस वन जीरो जीरो माइनस थ्री माइनस टू थ्री थ्री जीरो जीरो। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगनल के एलिमेंट सारे जीरो होंगे, अभी एक थ्योरम से हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे। एक और डेफिनेशन इसकी हमारे पास है, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ए जे आई, जो ए आई जे एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई एलिमेंट के बराबर होगा। जैसे हमने ये एक प्रिंसिपल डायगनल छोड़ दिया, इसका नाम ए वन टू है, ये टू वन है, वन थ्री थ्री वन, टू थ्री थ्री टू, तो ये आपस में एलिमेंट जो होंगे हमारे पास अपोजिट होंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, और उसके बाद फिर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, खुद के ही बराबर आता है। दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास के इंटू ए ट्रांसपोज, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज एनी स्केलर, के इंटू ए ट्रांसपोज, हियर के इज एनी स्केलर, के कोई स्केलर है एंड ए इज एनी मैट्रिक्स। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ट्रांसपोज और माइनस ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी ट्रांसपोज, ये थोड़ा ध्यान से, ये अलग है हमारे पास प्रॉपर्टी, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ कुछ थ्योरम्स इससे रिलेटेड हमारे पास हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि द डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, इसका प्रूफ है। अभी जैसे मैंने बताया था कि डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, उनका सभी का जीरो होना जरूरी है। इसका सलूशन है, फॉर
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, जो ए आई जे होता है एलिमेंट ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है. एंड फॉर डायगोनल्स, डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, फोर, तो फोर डायगोनल आई इज इक्वल टू जे, जो आई होता है वो जे के बराबर होता है. तो अगर हम आई और जे को सेम कर दें यहाँ पे, तो ए आई आई, जे को आई से रिप्लेस कर दें तो ए आई आई, ये टू ए आई आई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ए आई आई इक्वल टू जीरो आ जाएगा. मैंने यहाँ पे आई से रिप्लेस किया जे को, अगर मैं जे से जे आई को जे, मतलब मैंने यहाँ पे जे की जगह पे आई लिखा है, और अगर मैं आई की जगह पे जे लिख दूँ तो यहाँ पे ऐसे ही ए जे जे भी जीरो आ जाएगा. सिमिलरली वी कैन शो ए जे जे, ए के के, एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो. सो फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल आर जीरो. ये अपने पास थ्योरम है. नेक्स्ट एक और केस है, एक और केस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. If A and B are symmetric matrix, then show that AB plus BA is symmetric. ये अपने पास एक और है क्वेश्चन, सॉल्यूशन है. तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये हमारे को गिवन है. ठीक है, एक बात ध्यान में रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, अगर मुझे कहीं पर भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, किसी भी मैट्रिक्स को ये वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हम उसका ट्रांसपोज कर लेंगे. अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर खुद के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर वो अपने नेगेटिव के बराबर आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. अब जैसे मुझे यहाँ पे ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक वेरीफाई करना है, तो इसको मैंने ले लिया, इसका मैंने ट्रांसपोज कर लिया, और बाय द प्रॉपर्टी दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दिस इज ए फॉर मी एंड दिस इज बी फॉर मी, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. इसको लिखेंगे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसको लिखेंगे A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. नाउ फ्रॉम फर्स्ट, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, A ट्रांसपोज A, B ट्रांसपोज B. इनको आगे पीछे लिखे, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको मैं बाद में लिख रहा हूं. तो यहां से ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है, ए बी प्लस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो खुद के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक. ये मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है. एक और है अपने पास, prove that a matrix A can be expressed as a sum of symmetric and
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन ए इक्वल टू टू ए डिवाइडेड बाय टू, ए को हमने एक मैट्रिक्स है ए, यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर लिया, दो से डिवाइड कर लिया, इस टू ए को लिख लिया ए प्लस ए। अब इसमें ए ट्रांसपोज अपने आप ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज अपने आप सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इनको अलग कर लिया वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इनको अलग कर लिया वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये ए, इसको लट के लिए लट पी, इसको लट के लिए क्यू, वेयर पी इज इक्वल टू वन बाय टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू इज इक्वल टू वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के हिसाब से इस एक मैट्रिक्स को हमने दो के सम में तो कर लिया है, अब ये वेरीफाई करना है कि इनमें से एक तो सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक किसी को भी वेरीफाई करना है तो हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे मैंने पी का ट्रांसपोज ले लिया, प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इसके लिए प्रॉपर्टी थी कि के इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पे 1 बाय टू स्केलर है, 1 बाय टू एज इट इज रह जाएगा, इसका आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहां पे ए प्लस बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मेरे लिए ए तो ए है, बी जो है वो ए ट्रांसपोज है, इसमें ए ट्रांसपोज एज इट इज। नाउ अगेन ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसकी जगह पे आ जाएगा ए। तो यहां पे पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी के बराबर आ गया है, अपने खुद के बराबर आ गया है, इसका मतलब है कि पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्यू का देखते हैं, क्यू क्या आएगा, क्यू का ट्रांसपोज करते हैं तो वन बाय टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी के इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, वन बाय टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ये जो चीज है वो ए के बराबर है ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। अब यहां से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो अगर हम चेक करते हैं तो यहां से क्यू ट्रांसपोज जो है मेरे पास माइनस क्यू के इक्वल आ रहा है, तो क्यू जो है मेरे पास क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका यूनिकनेस वेरीफाई करना है कि हमने यूनिकली ये रिजल्ट जो है वो यूनिक होगा, ये वेरीफाई करना है कि रिजल्ट हमारे पास जो होगा ये ए इक्वल टू पी प्लस क्यू ये यूनिक होगा, इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं हम लोग कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ए के लिए जिसको हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई कर सकते हैं, वो जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, सभी के लिए सेम आएगा। नेक्स्ट टारगेट है हमारा यूनिकनेस। अभी ए को हमने पी प्लस क्यू के बराबर वेरीफाई कर लिया है वेयर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी एंड क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, इफ पॉसिबल हमने मान लिया अपने कंट्राडिक्शन मेथड से इसको वेरीफाई करेंगे कि एक और रिप्रेजेंटेशन इसकी पॉसिबल है ए इक्वल टू
आर प्लस एस हम इसको लिख सकते हैं, हमने ये मान लिया। अब हमारा टारगेट है, और इसमें मैंने इस आर को मान लिया कि जो आर वाला पार्ट है वो सिमेट्रिक है और जो एस वाला पार्ट है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी जो आर ट्रांसपोज है वो आर के ही बराबर है और जो एस ट्रांसपोज है वो माइनस एस के बराबर है। मान लिया कि एक और रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉसिबल है। अब हमारा टारगेट है कि मैंने ये आर जो है वो पी के बराबर वेरीफाई करना है कि आर और पी दोनों सेम है, और एस को क्यू के साथ बराबर वेरीफाई करना है कि आर और क्यू और जो एस है वो हमारे दोनों के दोनों सेम है। इसके लिए पहले मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया, फ्रॉम सेकेंड मैंने इसका ट्रांसपोज कर लिया, इसका ट्रांसपोज कर लिया। ये ध्यान रख लेना कि यहाँ पर भी हमारे पास जो ये P था, P जो हमने वेरीफाई किया था अभी थोड़ी देर पहले, P मेरे पास था 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, और जो Q था वो था 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, ये वेरीफाई किया था हमने यहाँ पे। तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया A का, तो A का ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस S का ट्रांसपोज, R ट्रांसपोज प्लस S ट्रांसपोज, R ट्रांसपोज इज इक्वल टू R एंड S ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस S। नाउ A ट्रांसपोज इक्वल टू R माइनस S, A इक्वल टू R प्लस S बाय एलिमिनेशन मेथड ऑन एडिंग, S विल कैंसल आउट, A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2R, R इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू P, सो R इक्वल टू P। नाउ फ्रॉम लेट दिस इज थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड हम सेकेंड में ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं R की, तो S आ जाएगा मेरे पास S इक्वल टू A माइनस आर, ए माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2, एल्सियम लेने के बाद A माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो S की वैल्यू आ जाएगी क्यू के इक्वल। तो यहां से हमने वेरीफाई कर दिया कि P जो है वो मेरे पास S के बराबर है, और S हमारा जो है P जो है हमारा वो R के बराबर है, और S जो है हमारा वो Q के बराबर है। तो ये अलग अलग नहीं हुए, सेम ही हो गए, तो हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा, यूनिक। कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे इसके ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे के ऊपर, या और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 है, लेट ए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव वन बाय टू वन माइनस वन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोज निकाला है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ए ट्रांसपोज है ये अपने पास, जैसा कि पता है हमारे को, ये जो फर्स्ट रो है 5, इसको फर्स्ट कॉलम बनाना है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बनाना है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास ट्रांसपोज करके रिजल्ट आ गया है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, उसमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमारे पास। मैट्रिक्स दो दे रखी है हमारे को यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। ए मैट्रिक्स है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। मैट्रिक्स बी है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। सो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो प्रॉपर्टीज बताई थी उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है, वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं, ए है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 प्लस -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1 ऐड करेंगे, -1, -4, -5, 2, +1, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। नो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी ट्रांसपोज,
ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 5, 3, -2, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। इसके बाद ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ये फर्स्ट रो है 1, -1, 2, 3, सेकंड रो 5, 7, 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -2, 1, 1, बी ट्रांसपोज -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वैल्यूज रख देंगे -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1, +-4, 1, 1, 1, 2, 3, -5, 0, 1, -5, 6, -2, -1, 3, 9, 3, 4, -2, 9, 2, 5, -5, -5, 6, -1, 3, 9, 4, -2, 9, 2। सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टीज ही हैं मैक्सिमम तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहां पे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपने पास है, सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए इज गिवन, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई वेरीफाई करना है, ये हमें वेरीफाई करके देना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। सो लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज इनटू ए, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज 1, 0, 0, 1 आई। ये अपने पास ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक और अपने पास एक और प्रोसेस है, सेवंथ फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स ए इज गिवन, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3। इसको शो करना है कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है। इसका ट्रांसपोज ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। और अगर हम चेक करते हैं तो दोनों सेम है, सेम अपने पास आते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ आ रहा है, सो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसा कि बताया था किसी भी चीज को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक वेरीफाई करना है तो उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, अगर वो खुद के बराबर आती है तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव के बराबर में आती है तो स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और एक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि डायगोनल्स के जो भी एलिमेंट है सारे के सारे हमारे जीरो होंगे। एक और है, जैसे एट्थ क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए इज गिवन 1, 5, 6, 7, इसका सेकेंड पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज को मुझे वेरीफाई करना है कि ये ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो सबसे पहले मैंने ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज मेरे पास आएगा 1 5 6 1 5 6 7। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए है 1 5 6 7, ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7। 1 5 6 7 प्लस -1 -6 -5 -7 ऐड करेंगे तो 0 -1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 0 -1 1 0। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 8 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। एक और है अपने पास, टेंथ फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स ए इज गिवन 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। इसको हमें सम ऑफ टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बताया था इसके लिए मेथड, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मुझे ये वैल्यूज निकाल करके यहाँ पे पुट कर देनी है बस। तो ए गिवन है, ए का ट्रांसपोज कर लिया, ए का ट्रांसपोज आएगा 3 5 1 -1। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लिया, 3 1 5 -1 प्लस 3 1 5 -1 6 6 6 -2 डिवाइडेड बाय 2 3 3 3 -1। चेक करोगे सिमेट्रिक है ये पार्ट। उसके बाद अगला है ए माइनस ए ट्रांसपोज, 3 5 1 -1 -3 1 5 -1 और 3 5 1 -1 प्लस -3 -1 -5 1 ऑन एडिंग 0 4 -4 0। और मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 2 -2 0। दोनों वैल्यूज मैंने निकाल ली और यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास है 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। आंसर। तो ये हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे।